अच्छा कभी कभार हमारे पास ऐसे गेस्ट आते हैं, बड़े यंग गेस्ट आते हैं और उनके कारनामे जो होते हैं ना, हम जरा हैरान हो जाते हैं। जैसे कल भी हमारे पास अनस आए थे, बड़े यंग गेस्ट थे, क्या जबरदस्त। तो आज भी हमारे पास ऐसे ही गेस्ट हैं। पहले आपको बताएं कि माइंड गेम्स मजमूआ होता है मुख्तलिफ मुश्किल पजल्स का, जिनसे किसी भी इंसान की ज़हनी सलाहियत का इम्तहान लिया जाता है। आप वर्ड निकाल के लेके आएंगे, मजमूआ। I'm impressed actually. रट्टा मारा था क्योंकि अब आप मेरा पब्लिकली मजाक उड़ाना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा मैं याद कर लूँ। अच्छा जी, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, हम आपको दिखा भी रहे हैं ऑन द स्क्रीन। और इस बार इन मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं नन्हे हानियाल इदरीस, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हानियाल विल बी ट्रैवलिंग टू जर्मनी, और हानियाल क्यूब मास्टर ऑफ पाकिस्तान है। हानियाल थैंक यू सो मच, आप आए हैं जबरदस्त। आपने तो शर्ट का भी वही लोगो बनाया हुआ है जो आप काम करते हैं। बड़े पजल्स आपके सामने पड़े हैं, पहले तो ये बताओ कि इंटरेस्ट कैसे आया इस चीज़ में? ये मुझे इंटरेस्ट आया कि ना, मैं एक दिन मैं वह स्कूल में गया हुआ था, तो मेरा एक दोस्त था, वो एक क्यूब लेकर आया था ना, वो सोल्व कर सकता था और पूरी क्लास को बताता था कि मैं सोल्व कर सकता हूँ। किसी और को भी नहीं आता था ना, तो मैंने सब पूछा, आप मुझे भी सिखा। इसने मना कर दिया, बोला आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं, मैं आपको नहीं सिखाऊँगा। मैंने इसको बोला कि ना, मैं आपको खुद ही लर्न करके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो उसी दिन मैंने क्यूब ले लिया, तो मैंने उसी वक्त मैंने ना ट्यूटोरियल निकाल ली ना यूट्यूब पे। हाँ। तो मैंने इससे ना सीख लिया पूरा। फिर इसके अगले दिन मैं स्कूल गया ना, तो मैंने इसको सॉल्व करके बताया ना, तो बहुत हैरान रह गया कि वाह भाई। तो अच्छा कहना है जस्ट से कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे तो हम भी कर लेंगे, वो सीख के भी पढ़ देख के भी करना। अच्छा मैं उसकी जिंदा मिसाल, जावेदा मिसाल आपके सामने। माय नेफ्यूज इसी एज के होंगे, ऐसे छोटे छोटे होंगे, तो वो भी ये कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी सिखा दो, तो मामू आप जाएं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल कर लें। मैंने एक दफ़ा देखा, लेकिन ऊपर से खुश ऊपर से गुजर गया। तो ये बड़ा कोई साइंटिफिक तरीका है, कुछ मैथ इसमें इन्वॉल्व होती है? कौन सा किधर जा रहा है इसमें असल में होता है ब्रेन गेम। इसमें आपको सारे कलर्स याद रखने होते हैं कि रेड यहाँ पर आएगा, येलो यहाँ पर आएगा, और जो आपको स्क्रैम्बल करके दिया हुआ होता है ना, वो आपके लक के ऊपर है कि अभी रेड सॉल्व है कि नहीं है, येलो सॉल्व है कि नहीं है। यानी कभी जो स्क्रैम्बल हुआ हुआ आपको मिलता है, उसमें भी आपको नजर आ जाता है ये आसान स्क्रैम्बल हुआ हुआ, ये मैं जल्दी कर लूंगा। अच्छा तो ये जो ये वाला आप करेंगे, अगले वाला मैं करूंगा मिक्स। पहले तो ये बता दो कितनी देर में ये वाला करते हो छोटा? ये अराउंड 10 to 15 seconds। 10 to 15 seconds। और वो ये 20 to 25 seconds। ये देना होगा मुझे, ये छोटा 4x4 वाला देना, 3x3 वाला। ये अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बड़े आप तो बड़े हुए हैं। अच्छा अब हम करने ही लगे हैं अब्दुल्ला, आप तो करते रहेंगे, हम करने ही लगे हैं क्या? नहीं मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं। मिक्स कर रहे हैं ताकि ये कर सके। मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि जो है, और ये वाला कितनी देर में करते हो? हां ने यार 20 to 25 सेकंड्स। ओके गुड, हां ने यार ये कर सके, और इसे मुश्किल सा मैं करके देना चाह रहा हूं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन हम इनको दिखा देंगे कि कैसे करते हैं हम। मैं भी बीच में आ गई हूं। अब्दुल्ला दे दो, बहुत हो गया। मेरा ख्याल है काफी हो गया। ओके हियर यू गो एंड योर टाइम स्टार्ट। स्टॉपवॉच कौन ऑन कर रहा है? ये पकड़ ले बेटा, और मैं करूंगा। एक अभी ना शुरू करना, देख लो वैसे वॉर्ड फरमा लो इस पे। चलो ओके स्टार्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आईज, द वे हानियाल इज़। और स्पीड कितनी चाहिए होती है? इससे पहले हमारे पास बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट टू मेंशन शहीर खान आए थे, और वो भी कुछ अनबिलीवेबल तरीके से कर लेते थे रूबिक्स क्यूब। अच्छा बाय द वे मैं देख रही हूँ कि रंग मिलना स्टार्ट हो गया हमारी तरफ भी, देखा है? हाँ। हानियाल ने मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनको अपनी नजर उस पे। बेटा हम बातें ही कर रहे थे, आपने तो कर भी लिया। ओ माय गॉड। अच्छा सो यू, इज इट बिकॉज कि आप माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, या फिर किस तरह? ये इसमें ना आपने जो बताया था ना, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व होता है। इसमें ना अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो आप अगर आप ज़्यादा लर्न कर लोगे तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा फास्टर हो जाओगे, और इस वजह से मैंने इस पर प्रैक्टिस करी कि मैं ज़्यादा फास्ट हो जाऊँ। तो अगर जो बच्चे देखना सीखना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या टिप्स दोगे? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन रियली फैसिनेटेड, लेकिन मेरे से नहीं होता था। बड़ा दुखी कहानी है मेरी इस मामले में। इसमें ना आप सबसे पहले क्या करें कि आप पूरा कलर स्कीम को याद कर लें कि रेड यहाँ पर है, उसके बिल्कुल साइड पर ब्लू होगा, ऊपर येल्लो होगा। अब ये जब आप कलर स्कीम याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, और आप सीख सकते हैं। अच्छा ओके वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये वाला हाँ, ये बड़ा है। हाँ, ये कितनी देर में होता है? ये अराउंड 2 minutes। 2 minutes तो कैन वी गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट? और उसके साथ वाला उसके साथ वो ट्राई है, वो जो है पिरामिड वो कर सकते। ओके दिखाओ, मैं हिलाऊं इसको।
ये ओके ये इस तरह है और ये भाई किसने सोची थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाने का इन द फर्स्ट प्लेस, तो मुझे उससे उसका पता मिले। इन, 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 चीजों को सॉल्व करने से आपके दिमाग की सलाहियत भी बढ़ती है, अब इसी फायदा पहुंचाती है। हाउ डज इट हेल्प यू, डज इट हेल्प यू स्टडीज में या इस तरह आपका माइंड फंक्शनिंग में? वैसे अभी मेरे रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे ना, तो उसके लिए मैं ना स्टडी करता था बहुत ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था इसको मैं 10-15 मिनट तक खेलता था और फिर पढ़ाई करता था ना, तो मुझे मतलब बहुत ईज हो जाती थी। वंडरफुल, ये तो जबरदस्त आपने बात बताई है कि ट्रिगर का काम दे रहा था ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। अच्छा कहना है जस्ट से कि इन्होंने तो ये तो हानियाल तो सॉल्व कर रहे हैं, मुझे तो घुमाना इतना मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है सारे रंग मिल रहे हैं, बट एनीवे अच्छा घुमाया है मैंने। ये हो जाएगा, अब लेट मी जस्ट रीसेट द स्टॉपवॉच। अब छोड़ो स्टॉपवॉच को, वो कर ही रहे तो इतनी बड़ी बात है। ओके, आई मस्ट कन्फेस आई हैव नॉट सीन अ पिरामिड शेप्ड रूबिक्स क्यूब, बिकॉज क्यूब इज अ क्यूब, दिस इज अ पिरामिड। शुक्र है मुझे शेप से याद आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रंग मिलना शुरू हो गया, रंग मिलना स्टार्ट हो गया और मुझे ये भी पता चल गया कि ये हो गया है। और ये तो बिल्कुल ही अब्दुल्ला क्या ख्याल है, आज हमने दो डेमोंस्ट्रेशंस अपने सामने देख ली हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप करने के काबिल हो जाएंगे? शो का स्टार्ट ही हम इस चीज से करेंगे, आप पे करेंगे, कर लिया बेटा? और ये तो बहुत ही जल्दी कर लिया आपने, मतलब है कि आई थॉट कि ये आपको जरा टाइम लगेगा 1-1.5 मिनट का, लेकिन ये भी आपने कुछ 26 सेकंड्स में कर लिया। हाउ ऑसम इज दैट? अबू अम्मी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बड़ी कोई जबरदस्त चीज है, ये खेल नहीं है? नहीं, रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं, तभी तो अब्बू यहाँ लेके आए हैं। हाँ, अब्बू सामने बैठे हुए हैं, बड़े खुश हैं। अच्छा मुझे बताओ आप जर्मनी कब जा रहे हो और वहाँ पे किस चीज में हिस्सा ले रहे हो, क्या सीन है? मैं जर्मनी जा रहा हूँ उसके म्यूनिक शहर में 26 अक्टूबर को। ओह वंडरफुल, उसमें ना उसमें क्या होगा कहना, रूबिक्स क्यूब कॉम्पिटिशन होगा, पूरी दुनिया से 240 कॉम्पिटिटर्स आए जो पूरी दुनिया में चैम्पियंस होते हैं, और मैं पाकिस्तान से वाहिद बच्चा हूँ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाऊँगा। ऑसम, अच्छा इस चैलेंज के लिए आप तैयार हो बेटा कि जो दुनिया से आएंगे उनका भी दिमाग सोचो कि क्या तेज होगा, तो एक बड़ा एक वो कॉम्पिटिशन होने वाला है। हाँ, वो तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज़, और मैं उनकी भी वीडियोस देखता हूँ कि वो कैसे करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं मुझे। हाँ, अपने कॉम्पिटिशन को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, तो हर रोज़ देखें एक एक सेकेंड इसमें काउंट करता है, तो एक सेकेंड कम करने में कितने दिन या कितने हफ्ते कितने महीने लग जाते हैं कि हाँ अभी तो मैं इससे पहले 15 सेकंड में करता था, अब मैं 10 सेकंड में करता हूँ, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक यूजुअली? जैसे जैसे आप फास्ट होते जाते हैं ना, जैसे कि आप 30 सेकंड में आ गए, 20 सेकंड की रेंज में आ गए ना, नहीं जब आप जब ज़्यादा स्लो होते ना तो आपको ज़्यादा 1 सेकंड में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं ना तो 1 सेकंड बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो 1 सेकंड को मतलब करने में यूजुअली 2-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा कहना है जस्ट से इधर कि हम हानियाल से बात कर रहे थे कि जर्मनी किस तरह जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अपने ओन पे इन्होंने सारे फंड जो भी खर्चा वगैरह है, दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन, बट आई फील कि इतना टैलेंट हो तो देयर शुड बी सम इदारा, सम बड़ी सम ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी असिस्टिंग दीस चिल्ड्रन, मतलब कि मेंटल गेम्स और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं इसके लिए भी कोई होना चाहिए, या फिर मे बी वी आर मिसिंग इट, कि कोई फेडरेशन है, कोई बनी हुई है इस किस्म की, कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि चीजों को फैसिलिटेट करे, किसी और चीज की नहीं बस है, हम ये कह रहे हैं अगर हमें मालूम नहीं है तो प्लीज हमें बताएं कि इस किस्म की कोई जगह भी है। लेकिन हानियाल अभी हमारे साथ हैं, जब ये जीतेंगे तो हम इनको वापस बुलाएंगे इंशाल्लाह, जब ये जर्मनी से वापस आएंगे। ये मेरे हाथ में कोई चीज है जो कि पूरी ब्रेक में मैंने इसी पे काम करते रहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू और नहीं है वो मैं बना के खाऊंगी ना बच्चे को।